ये जो फिल्म है उनके प्रोड्यूसर है वो लंदन में रहते हैं। बैनर का नाम है टी ट्रेंड्स यूके और इट्स अ ट्राइंगुलर लव स्टोरी। दो लड़की और एक लड़का, उन दो तीनों में जो कहानी चलती है हमारी। तो वी आर शूटिंग दिस फिल्म लंदन और स्पेन दोनों में। दो लड़की फाइनल हो चुकी है, लड़का अभी फाइनल होना बाकी है। रोमांटिक थ्रिलर है। दो लड़कियां में से कौन सी लड़की मैनिपुलेशन कर रही है, दैट इज द सस्पेंस ऑफ दिस फिल्म। टाइटल सॉन्ग है और एक पब के पॉइंट ऑफ व्यू एक आइटम सॉन्ग जैसा, एक दो ही गाने हैं। रुपेश मिश्रा जी करके हैं, गाने उनके हैं, म्यूजिक भी उन्होंने बनाया है और एम्पायर म्यूजिक वाले हमारे पैरामाउंट और ये हमारी फिल्म पैरामाउंट म्यूजिक मिस्टर सलीम डोसा ने म्यूजिक उन्होंने अपने पास रख लिया है, मीन्स अब रिलीज वो करेंगे। डायरेक्शन टीम में आई एम शैलजा शुक्ला और मैं डायरेक्शन टीम में हूँ, एडिट कर रही हूँ, डायरेक्शन कर रही हूँ और हमारे सर को सपोर्ट कर रही हूँ डायरेक्शन में। नहीं, मैंने बहुत सारी वेब सीरीज में एडिट किया है, सीरियल्स में भी कर रही हूँ मैं और फोटोशूट वगैरह में करती हूँ। दैट्स इट। हेलो, माय नेम इज़ जूही चौडालिया, मैं भी एडी में कर रही हूँ, सर को सपोर्ट कर रही हूँ पूरी टीम में एंड अभी भी फिलहाल मैं वेब सीरीज वगैरह चालू हूँ मेरा एडी में। मैं विमल उपाध्याय, मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ इस फिल्म का और फिल्म के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि ऐसी लव स्टोरी शायद इससे पहले नहीं बनी होगी। दोनों लड़कियों के बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और लड़का कैसे रोलर कोस्टर राइड की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो रहा है और बहुत थ्रिल होगा इस फिल्म में। दोनों लड़कियाँ हमारे साथ बहुत ही पावरफुल परफॉर्मर है, एक नेगेटिव शेड है, एक पॉजिटिव में भी नेगेटिव ग्रे शेड है, तो लेट्स सी, ऐसा रोमांटिक एंगल आज से पहले नहीं आया है, बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म करने का। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ रोज लश्कर एंड मैं पहले भी सर के साथ काम कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ फॉर फिल्म मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ सर के साथ एंड मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को करने के लिए। मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स, सो सर के साथ पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। और क्या आपका प्रोफाइल, आपने जो जो किया है इससे पहले? मैंने सीरियल्स किया है, मैंने मूवी किया है, मेरी एक मूवी रिलीज़ हो चुकी है मृदंग एंड रिसेंटली मेरी एक मूवी रिलीज़ हुई है सैरा द नरसिम्हा रेड्डी और बस सीरियल्स किया है। इस फिल्म में किरदार का कुछ पता है, कुछ मालूम है? हाँ, सैरा में मैंने एक गांव की लड़की का कैरेक्टर किया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा सैरा तो ये एक हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी है, इट्स अ ट्रू स्टोरी और इसमें एक गाँव की लड़की का कैरेक्टर किया है जिसको अंग्रेज़ जो है उठाकर ले जाते हैं, अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो मैंने मृदंग किया था उसमें मैंने लीड किया है, वो भी एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर था इन द वेरी 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 ऑसम मूवी। आप एक बार जाकर चेकआउट कीजिए गूगल पे या यूट्यूब पे, ये रियल बेस्ड, वो भी रियल बेस्ड स्टोरी पे बेस्ड है। हाय, मेरा नाम मैत्री रायजादा है और बेसिकली मैं गुजराती हूँ, गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मेरा पूरा बैकग्राउंड थिएटर से है और मुझे आई लव एक्ट और सर ने मुझे ये प्लेटफॉर्म पूरा किया है ये फिल्म के ज़रिए, बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें जो मेरा किरदार है, जो कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मेरा ग्रे शेड है, जो पॉजिटिव और ग्रे शेड दोनों में खेलने के लिए मज़ा आएगा मुझे। दिस इज़ पर रावल, बेसिकली आई एम अ लीडिंग एक्ट्रेस, आई हैव डन मोर देन 50 फिल्म्स इन अ गुजराती एंड अ भोजपुरी इंडस्ट्री,
But this is, for me, this is something new because I wanted to work with Jatin ji. So I told him ki aapke project my anyhow I have to work. So then he told me ki fir tumhare liye kuch different karte. So this time I'm doing something different. I'm into costume department. I have to handle a costume. So this is a very new experience for me. Let's see, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने आर्टिस्ट को जितना हो सके उतना ज़्यादा खूबसूरत दिखाऊँ. Sorry, I'm trying that she also acts with me in this film also. Yeah, so hope for the best. Thank you. Movie Maker Private Limited basically गुजरात से belong करती है और गुजराती ने काफ़ी जो है प्राइवेट एल्बम्स किए हैं, 100-200 पिक्चर के और राइट शोल्डर है, खुद के चैनल्स हैं और फुल फ्लेज गुजराती ऑडियो कंपनी है जो अभी हिंदी में लॉन्च होने जा रही है और हिंदी फिल्में भी अभी कर रही है. तो ये मेरे दोस्त थे, इन्होंने बोले तो मैं बोला चलो भाई आपसे ही जो है हम शुरू करते हैं. काफ़ी पिक्चर है तो इसमें रितेश मिश्रा जी जो है वो म्यूज़िक डायरेक्टर है और सिंगर में जो है वो रुपेश मिश्रा जी है और एक गाने में रुपेश मिश्रा जी और दालिया मित्रा जी है. गाने का म्यूजिक बहुत अच्छा बना हुआ है और एक गाना तो कंप्लीट हो गया, दूसरे गाने की रिकॉर्डिंग भी हो गई है, खाली डबिंग बाकी है, वो भी हो जाएगी और अच्छे से अच्छी तरीके से उसको रिलीज़ करेंगे, अच्छे से प्रमोट करेंगे. मेरा नाम जितेन परीख है, आई एम अ फ्रीलांस डायरेक्टर. मेरी एक शॉर्ट फिल्म को अभी दिल्ली में, पुणे में और जयपुर में अवार्ड मिला है. तो रिसेंटली दिसंबर से फरवरी तक मुझे 3 अवार्ड भी मिल चुके थैंक्स टू ऑल माय वेल विशर्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माय एल्डर्स. ये फिल्म हम लोग मार्च महीने में लंदन में और स्पेन में शूट कर रहे हैं. गुजरात से ये भरत भाई पटेल करके हैं जो हमारे फाइनेंसर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और लंदन से टी ट्रेन्स कंपनी है लंदन की, वो जुड़ी मेन बैनर उनका है. फिर हमारे साथ ईपी में यहाँ से श्रीजी क्रिएशन नीलेश मेहता भी. और दिस जैसे मैंने पहले आपको बताया रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है कि इन्होंने जैसे बताया ग्रे शेड कर रही है मैत्री और रोज़ है सी इज़ इन लव विथ अ बॉय, सी इज़ ऑल्सो इन लव विथ अ बॉय. तो कैसे मैनिपुलेशन होता है, लड़के को कैसे पता चलता है, वो एक जर्नी है जो जर्नी हम बिटवीन लंदन एंड स्पेन में दिखाने वाले हैं और शूटिंग विल हम लोग मार्च में करेंगे. और पिक्चर का टाइटल है मेरा प्यार तुम ही हो, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं हम और गाने भी हमारे दो हो गए हैं. वैसे यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, बॉम्बे में भी करेंगे. तो कब तक कितने दिनों में आप शूटिंग करके रिलीज के लिए? दिवाली तक. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार, मैं रुपेश मिश्रा आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और मुंडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक फ़िल्म बन रही है मेरा प्यार तुम ही हो, जिसके निर्माता निर्देशक हमारे जतिन सर हैं. इन्होंने इस फिल्म में गाने के लिए मुझे चुना है, इसके लिए मैं बहुत ही इनका आभारी हूँ और बहुत ही प्यारा से एक गीत ये मुझे दे रहे हैं. इस फिल्म में म्यूज़िक किया है इसका रितेश ने, म्यूज़िक किया है रितेश मिश्रा ने और लिरिक्स संगीता अग्रवाल जी ने लिखा है, गायत्री मिश्रा ने लिखा है. तो वही गाना मैं कर रहा हूँ अब. बाकी बहुत ही अच्छी फिल्म बनने जा रही है ये मेरा प्यार तुम ही हो. प्यार के ऊपर है फिल्म, रोमांस है, लव है और इसकी शूटिंग जो है फॉरेन में भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन पे फिल्मांकन किया जाएगा इस फिल्म को जी, जतिन सर के द्वारा. बाकी जतिन सर तो हैं ही. आपके बारे में भी इनको कुछ बताइए. मेरे बारे में बस मैं एक छोटा सा सिंगर हूँ, गाना गाता हूँ और काफ़ी मेरे गाने आप लोग सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे. और अभी फ़िलहाल लेटेस्ट जो गाना है जतिन सर के फिल्म का भी आएगा तो आप लोग सुनेंगे. और एक गाना अभी मेरा काफ़ी
अच्छा चल रहा है पैरामाउंट गुजराती कंपनी से, सलीम भाई ने बनाया है, सलीम दोसानी जी। वो गाना मैं दो लाइन सुना देता हूँ। तुम्हारे सिवा कोई चाहत नहीं है, किसी और की अब जरूरत नहीं है। कई हुस्न वालों को देखा है हमने, कोई आपसा खूबसूरत नहीं है। ये गाना काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और इसी रोमांटिक गाना को सुन करके जतिन सर ने मुझे रोमांटिक गाने के लिए चूज़ किया और शायद इनकी फ़िल्म का भी गाना उसी कंपनी से रिलीज़ हो रहा है जिस कंपनी से हमारा तुम्हारे सिवा वाला गाना रिलीज़ हुआ है। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शुरू मैं नमस्ते, मैं डालिया मित्रा सिंगिंग करती हूँ, प्लेबैक सिंगर, 17 भाषा में गाती हूँ सभी प्लेबैक सिंगिंग। आज पारिक जी ने बुलाया, उनकी गेट टुगेदर में शामिल हूँ काम का भी बात है और क्या बोलूँ। और ये बोलना क्या है, बस आप गा रही हैं, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि जब से पारिक सर ने आपके गाने सुने हैं आपकी बेवफाई ने, तब से उन्होंने बोला कि नहीं हमारे फिल्म का गाना भी डालिया जी ही गाएंगी। अच्छा। और मैं जो गाना रोमांटिक गा रहा हूँ अच्छा। उसमें डुएट वो आपके साथ है। अच्छा, थैंक यू। ये आपको सरप्राइज देने के लिए हम लोग आज बुलाए थे कि आज आपका गाना है। अरे थैंक यू, थैंक यू सर। पारिक सर की जो फिल्म है अच्छा, मेरा प्यार तुम ही हो, अच्छा वाह, उसमें एक रोमांटिक गाना आपके स्वर में रिकॉर्ड करना बाकी है। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। आपको भी, आपको भी बहुत थैंक यू। हाँ, आप थोड़ा सा काटिए, मैं गाती हूँ। ऐसे मतलब कैमरा में नहीं गाइएगा? हाँ, थोड़ा सा वो चाहिए, एक बार सुन लेती हूँ ना, बहुत सारा गाती हूँ ना। आपकी बेवफाई ने हमें जीते जी मार डाला, दुनिया हंस रही है क्या हाल कर डाला। गए आपकी बेवफाई ने हमें जीते जी मार डाला, आपकी बेवफाई ने हमें जीते जी मार डाला, दुनिया हंस रही है, दुनिया हंस रही है, क्या कहा कैसा क्या सॉरी हाल कर डाला। आपकी बेवफाई ने हमें जीते जी मार डाला। ये जो गाना है डालिया दीदी का, ये बहुत ये इनका ही लोगों ने पसंद किया है और ये गाना सुन करके ही इस फिल्म में आपको रोमांटिक गाना दिया गया है पारिक सर के द्वारा, क्योंकि सेम लेवल है पैरामाउंट गुजराती, इसमें ऑडियो पैरामाउंट मूवीज मेकर प्राइवेट लिमिटेड जो बैनर है उसके तहत इसका ऑडियो रिलीज हो रहा है। तो बेसिकली इसमें पैरामाउंट के सिंगर लोग ही काम कर रहे हैं, इसमें हम भी हैं, आप भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू। पैरामाउंट म्यूजिक का जो मालिक है कंपनी का उनके लिए मैं आज पहचान गई हूँ सब में। पैरामाउंट फिल्म्स है, पैरामाउंट फिल्म्स।